हैं, कुछ कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स आते हैं। कन्वर्जन्स को करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। कन्वर्जन को न तो रटा जा सकता है, न ही इस कन्वर्जन को किसी फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। कन्वर्जन को निकालने के लिए कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और उन कंसेप्ट को आप अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। एग्जामिनेशन में 8-10 मार्क्स के जो कन्वर्जन आते हैं, न्यू रिएक्शंस आते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस आते हैं, उनको आपको पूरा करने में मदद मिलेगी। बोर्ड पे आप ध्यान से देखिएगा तो हम आपको बताएंगे कन्वर्जन कैसे होते हैं। जैसे कुछ कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करने हैं। नंबर वन, फर्स्ट कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब भी कोई हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल होता है, आर CH2OH, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में अगर हम CrO3 जोन्स रिएजेंट डालते हैं, कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट डालते हैं या PCC डालते हैं, तो इसकी प्रेजेंस में हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमने प्राइमरी एल्कोहल पर भी डायरेक्ट KMnO4 या K2Cr27 एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो सकता है, यानी कि इसमें हम KMnO4 डाल दें एसिडिक मीडियम में, जैसे ही KMnO4 डालेंगे एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो देन यू विल लर्न CrO3 जोन्स रिएजेंट और PCC, दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो देन यू कैन यूज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। ये एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक बेटर तरीका है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके सामने है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अमोनिया से आपने हीट कर दिया तो देन दे विल कन्वर्ट इनटू एमाइड, यानी डायरेक्टली एमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर कहीं पेपर में एग्जामिनेशन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई सा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है और उसमें ऊपर लिखा है NH3 और हीट, तो देन यू विल 100% कन्वर्ट इनटू एमाइड, एमाइड में कन्वर्ट कर दीजिए उसे। और एमाइड को भी अगर हीट कर दिया जाए, केवल एमाइड को हीट किया जाए तो ये RCN यानी साइनाइड बनाता है, because one molecule of water H2 is given out। और लेकिन अगर इसे Hoffman's bromide reaction करा दी जाए, कौन सी reaction करानी? Hoffman's bromide, यानी Hoffman's bromide reactions आपको इसमें करानी है, Hoffman's bromide reaction। इसका reagent आपको पता होना चाहिए, Br2 और KOH, या कुछ किताबों में इसे NaOBr भी लिखा गया है, ठीक है। जब इसे डालेंगे तो Hoffman's bromide synthesis, Hoffman's bromide degradation reaction बोलते हैं इसे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये रिएक्शन कार्बन के नंबर को डिक्रीज कर देती है, यानी कि ये एमीन में कन्वर्ट कर देगी, RNH2 बना देगी। तो आपने सीखा कि एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड बनाना है तो हम लोग जोन्स रिएजेंट का यूज करेंगे या PCC डाल देंगे। अगर हमें एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं तो हम लोग KMnO4 एसिडिफाइड यूज करेंगे। अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं तब यहां देखिए हम KMnO4 एसिडिफाइड यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है एमाइड बनाना है तो हम अमोनिया के साथ हीट कर दें, एमाइड को Hoffman's bromide कराते हैं तो हमेशा एमीन बनते हैं। और एमीन को अगर HNO2 से ट्रीटमेंट दे दें, और आपको ये पता होना चाहिए कि HNO2 लैब में नहीं होता है, HNO2 की इसको कंटेन करना, इसको लैब में रखना इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अनस्टेबल। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaNO2 एंड HCl। तो अब एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि पेपर में या तो HNO2 लिखा हो या NaNO2HCl, एक ही बात है, ये दोनों HNO2 बना दें। तो प्राइमरी एल्कोहल हमेशा
प्राइमरी एनील हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एनिल्स को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे क्या करें, HNO2 से ट्रीटमेंट दे दीजिए, अपने आप कन्वर्ट हो जाए। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप आसानी से कन्वर्जन को सीख सकते हैं। अब अगर आपके सामने कोई भी अल्कोहल ले लिया जाए, मान लेते हैं एक अल्कोहल लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में चाहे आप जोन्स रेजेंट डाल दें CRO3 डाल दें, चाहे आप KNO4 एसिडिफाइड डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, ये 100% कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। और अगर इस कीटोन का रिडक्शन करा देते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल ही बनते हैं, इसके लिए बेटर एजेंट NaBH4 रहता है, NaBH4 इससे आप 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। और अगर एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर दें तो फिर प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट इसको किया जा सकता है। तो कार्बन चेन को घटाने का जो मेथड है वो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, कार्बन के नंबर को बढ़ाने का जो मेथड है वो दो तरीके हैं कार्बन के नंबर को बढ़ाने के। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो मान लीजिए आपने RCl ये एल्काइल लाइड लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई, दूसरा मॉलिक्यूल भी आपने एल्काइल हैलाइड का ही लिया, इन दोनों को ड्राई ईथर की वजह से वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यहां से 2 NaCl निकाल लीजिए और ये आपका कंपाउंड बन गया R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 NaCl। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ये कार्बन चेन इंक्रीज करने का एक तरीका है और ये कार्बन चेन डिक्रीज करने का तरीका है। एक कार्बन चेन इंक्रीज करने का तरीका और है, अगर आपके सामने कभी भी अल्कोहल है तो सबसे पहले अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिए हैलाइड में, RCl लिया, कैसे आ जाएगा SOCl2 डाल दीजिए, HCl डाल दीजिए, PCl5 डाल दीजिए, PCl3 डाल दीजिए, अल्कोहल में RCl बन जाएगा। अगर इस RCl में KCN आपने डाला है तो KCN डाल करके RCl बना दीजिएगा, यानी एक कार्बन का नंबर आपने बढ़ा दिया और यहां KCl आपका निकल गया। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अपने माइंड में आपको बना करके रखने हैं जिसकी वजह से आप आसानी ये कन्वर्जन में मदद करेंगे आपको। फिर रिपीट कर देता हूं एक बार, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए जोन्स रेजेंट, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए KNO4 यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करिए एमाइड बन जाएगा, एमाइड को गर्म करिए साइनाइड बन जाएगा, एमाइड का हॉफमैन्स ब्रोमाइड करा दीजिए एमीन बन जाएगा, एमीन का HNO2 से रिएक्शन करा दीजिए, अगर ये एलिफैटिक एमीन है तो अल्कोहल ही बनना है। अगर किसी की जगह पे आप एरोमेटिक एमीन ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया ये बेंजीन है, ये आपने एनिलीन ले लिया, एनिलीन के ऊपर अगर आपने NaNO2 और HCl डाल दिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100% श्योर है इस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं और प्रोडक्ट आपके सामने आएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी एलिफैटिक एमीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग NaNO2 एंड HCl, व्हाइल एरोमेटिक एमीन्स आर कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। तो इन कन्वर्जन की मदद से आप बहुत इन जो कंसेप्ट है इन कंसेप्ट से बहुत सारे कन्वर्जन आप करेंगे। अगली वीडियो आप देखिएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट डिफरेंट कंपाउंड्स इनटू अनदर कंपाउंड्स बाय यूजिंग दिस ट्रिक्स। नमस्कार।